मेरी छोटी सी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। अभी इसका नाटक चालू, जहाँ मैंने वीडियो बनाना चालू किया इसका नाटक चालू होता। एक मिनट फ्रेंड्स, ये जॉनी का काम ही ऐसा है। तो दोस्तों, एक साल हो गए मुझे इस घर में शिफ्ट हुए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपने फ़ोटो देखी है ना, तो उसमें समझ में आ रहा हो कि किस तरह खंडहर नुमा था वो घर। हुआ क्या था दोस्तों, मैं ऐसे खंडहर वाले ऐसे पुराने से मकान में क्यों आई थी कि लॉकडाउन चल रहा था और मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप, पूरा का पूरा। मेरा क्या, बहुत सारे और लोगों का भी होगा मेरी जैसी कंडीशन, बट मेरी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। ज़ीरो इनकम, देन रेंट उतना सारा, घर का खर्चा, बाकी मुझसे मतलब अति से ज़्यादा हो गया था। मतलब क्या कहते हैं, झेल नहीं पा रही थी मैं। तो मैंने घर ढूंढना शुरू किया। तो एक तो लॉकडाउन और ऊपर से मुझे घर खाली करना था, क्योंकि मैं एक महीने और रहूँगी तो नेक्स्ट मंथ फिर मेरा रेंट चढ़ जाना था। तो मैं लगातार ढूंढ रही थी और मुझे अपने हिसाब का नहीं मिल रहा था, क्योंकि बिकॉज मेरे पास में जानवर, एक तो जॉनी, पैरेट, और ऊपर सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत थी कि मेरे पास इतने सारे प्लांट्स थे। तो मुझे एक सेपरेट सा चाहिए था। मिल तो रहे थे, मतलब अपार्टमेंट टाइप का, छोटे छोटे, और फिर मेरा घर का और रेस्टोरेंट का सामान, तो मैं कैसे रखती। तो मजबूरी में मैंने इसको लिया। तो जिनका ये घर है, उन्होंने जो टूट फूट थी वो सारा कुछ तो बना दिया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर मैं मजबूरी में यहाँ शिफ्ट हुई और फिर मैंने धीरे धीरे रहते रहते इसको इस तरह से बनाया। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, ये प्लांट्स ने मेरे इस घर की शोभा बढ़ा दी है, मतलब इस घर में चार चांद लगा दिए। तो हुआ क्या, मैं जब रेंट देने के लिए उनके भाई साहब के पास में गई, तो उन्होंने कहा कि अरे मैडम, आपने घर का क्या कर दिया। तो मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई। मैंने, क्यों भाई साहब, मैंने क्या कर दिया? बोलते वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उस घर का तो नक्शा ही बदल गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इसमें इतना ज़्यादा टूट फूट था और इतनी गंदगी थी, और बिकॉज कि पानी में डूबा रहता था ये घर, इतना ज़्यादा डैमेज हालत में था। और हुआ भी, जो इस बार की बारिश में दो बारी घर में पानी भी भरा, बट हमने बचा लिया था। जैसा कि वीडियो मैंने डाली है, जब मेरे घर में पानी भरा था, वो सभी के यहाँ हुआ था इस बार, बिकॉज बारिश बहुत हुई थी। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना अधिक से ज़्यादा पानी भरा था, मतलब बार टाइप का हो गया था। तो दोस्तों, यही था। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब ये घर किस कंडीशन में है। तो बने रहे मेरे साथ। अब मैं जाना है, मुझे शॉपिंग जाना है। अभी काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, है ना। लो, लाइट चली गई। मैं बाहर से आप लोगों को टूर कराती हूँ कि अब कैसा है। और फ़ोटो देख के तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि पहले कैसा था और अब कैसा है। ये वो दीपावली की टाइम की है, बिफोर एंड आफ्टर। चलिए, देखिए पूरा इस तरह से हो रखा है। सीढ़ी नहीं है ऊपर जाने के लिए फ्रेंड्स, फ्रंट ये है। चलो अंदर को चलते हैं। दरवाजे अरवाजे सारे पुराने जमाने के हैं, खिड़कियाँ भी इस तरह की सारी टूटी फूटी हैं। ये देखिए, लाइट चली गई फ्रेंड्स। और इस बार की बारिश में देखिए, सीढ़न देखिए, आप लोगों को शायद दिखा पा रही हूँ कि नहीं। ये देखिए, पूरी पपड़ी निकल गई है, इतनी बारिश हुई थी, उसकी सीढ़न है। ये बहुत ही पुराने टाइम का है ये घर, पूरे दरवाजे अरवाजे सारे पुराने टाइम के हैं। ये तो रहा मेरा किचन, सब्जी चढ़ी हुई फ्रेंड। और मैं एक कोशिश दिखाती हूँ, बाथरूम की हालत। और यहाँ पीछे जाने का दरवाज़ा, ये देखिए इन्होंने बनाया ही नहीं है। हम भी नहीं कहते हैं कि हम, गुजारा चल रहा है तो होने दो। ये देखिए ऐसे, ये एक्चुअली दोस्तों वो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जब तक रहना है रह लीजिए। मैडम, हमने तो इसको पूरे को तोड़ के
फिर दोबारा से बनाना है। बहुत ही पुराना, बहुत बहुत पुराना घर है। तो उन्होंने हमें बोला कि आप जब तक अपनी सुविधा अनुसार रहें और जब आप छोड़ देंगे तो मैंने फिर इसको तोड़ के दोबारा बनाना है। बट यार, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल केयर नहीं करते हैं ना, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है वो कितने ललचाते हैं। तो यही था फ्रेंड्स, लाइट चली गई इसलिए मैं अंदर का बेडरूम का आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि पूरा अंधेरा है अंदर, बिना लाइट के रह ही नहीं सकते यहाँ पे। और क्योंकि विंडो टूटी हुई है तो मैं खोलती नहीं और बहुत ज़्यादा धूल आती क्योंकि ये हाईवे है तो पूरी डस्ट अंदर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चाव की, वहाँ चल के बातें करेंगे। मैंने पता क्या किया, मैंने कुछ आग लगाई तो कमरे में पूरा धुआं भर गया। करती हूँ, देखिए कितना धुआं धुआं भर गया पूरा। अब ये थोड़ा सा अंगार हो जाए तो फिर इसको मैं अंदर लेके जाऊंगी और रूम में रखूँ, मतलब इसकी अंगार रखूँगी तो थोड़ा कमरा गर्म हो जाएगा। तो देख लो गुंडे को, बस सारे टाइम बाहर गेट में ठंड हो जाए कुछ भी हो। चलो अंदर चलो। अब सही हुआ अंगार। सो फ्रेंड, नाउ डिनर टाइम। ये लोग हाथ मुंह धो रहे हैं, अब हम डिनर करते हैं। और सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का करते हैं अंत आज यहीं। यदि आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए।